तो लीजिए, बन गया रेहाना किचन में एकदम बेहतरीन तरीके से प्याज के पराठे, जो गर्मी के दिन में आप इंजॉय करिए। बच्चों को लंच दीजिए, हस्बैंड को ब्रेकफास्ट में बनाइए। तो चलिए देखते हैं रेहाना किचन में कैसे बना है। आज बनाते हैं प्याज का पराठा, तो बहुत बेहतरीन, बहुत टेस्टी होगा। गर्मी आ रही है, बच्चों भी खाने से बहुत इग्नोर मारते हैं और हम भी किचन में जाने से, क्योंकि गर्मी काफ़ी चल रही, सोचते हैं फटाफट क्या बनाए। तो सबसे पहले हम एक बाउल से रखेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे हेल्दी गेहूं का आटा। तो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, मैं मेजर कप से 1 कप गेहूं का आटा ले ली। प्याज का पराठा है तो हम प्याज को, 2 प्याज को बारीक चॉप कर लेंगे, जिससे बहुत टेस्टी होगा। बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची डालेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे, आप चाहो तो धनिया पत्ता स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे ले लेंगे अजवाइन, अजवाइन का फ्लेवर प्याज के पराठे में बहुत अच्छा होता है, तो हाथों से क्रश कर लेंगे और फूंक मार के इसे डाल देंगे। स्वाद अनुसार ले लेंगे नमक, 1 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल, फिर हाथों से हमें अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से। और पानी ले लेंगे नॉर्मल, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें एक नॉर्मल सा डो लगाना है, जिससे पराठे बहुत बेहतरीन बने। तो हमें टाइट डो नहीं लगाना है, नॉर्मल डो लगाना है। तो फटाफट हम नॉर्मल डो लगा लेते हैं। इस तरीके से हम डो को कर लेंगे और हाथों से इस तरीके से देख सकते हैं, एकदम नरम डो है तो हम नरम लगाएंगे, ज़्यादा टाइट हमें डो नहीं लगाना है। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि डो हमें कैसा रखना है, तो परफेक्ट होना चाहिए, जिससे पराठे बहुत बेहतरीन बनेंगे। तो इस तरीके का होना चाहिए, मैं दिखाती हूँ आपको एकदम परफेक्ट। तो इसे ढक के 5 मिनट का रेस्ट देते हैं। 5 मिनट हो गया है तो इसमें से इतना हम रोटी जितना हम निकाल लेंगे और इसको हम सूखा आटा लगा के इस तरीके से कर लेते हैं फटाफट। तरीके से हाथों से हम फैला लेंगे, देखिए, और थोड़ा सा सूखा आटा कर लेते हैं। फिर तरीके से ले लेंगे प्याज का पराठा, आप चाहो तो ट्रायंगल से भी या कोई भी करिए, मैं गोल बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सा, जो बिल्कुल इजी और बहुत जल्दी बने, क्योंकि गर्मी सबको लगती है। तो इस तरीके से हमें बहुत बारीक नहीं रखना है, रोटी से थोड़ा मोटा रखेंगे, क्योंकि जब हम सेकेंगे तो परफेक्ट होगा, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट साइज है। तो तावे को फटाफट गर्म करते हैं। दिया है तावा को गर्म होने के लिए लो फ्लेम पे, तो तावा को बहुत ज़्यादा हमें नहीं गर्म करना है, हल्का सा स्टीम करना है लो फ्लेम पे। कैसे इसके ऊपर हम पराठे को डाल देंगे, सेक रहे हैं, मैं दूसरा बना लेती हूँ फटाफट। पे हम 1 मिनट सेकेंगे, 1 मिनट हो जाए तो इस पेचला लेंगे और इस तरीके से हम पलट देंगे, तो देख सकते हैं कितना अच्छा हो रहा है। जब हो जाए इधर, तो हम यहाँ पे देसी घी लेंगे, आप चाहो तो रिफाइंड भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार देसी घी से बनाइएगा पराठे, बहुत टेस्टी होंगे। तो यहाँ पे हम घी को इस तरीके से लगा लेते हैं, फ्लेम लो होना चाहिए, लो पे क्या होता है पराठे बहुत अच्छे से सेकते हैं। देंगे कि स्पैचुला से हम आराम से इस तरीके से कर देंगे, और भी हम घी लगा लेंगे इस तरीके से, चारों तरफ से कोट कर लेंगे और इस तरीके से हम घुमा घुमा के, मैंने बता रखा है, या इस तरीके से बिल्कुल, अगर आपको नहीं आता है तो इस तरीके से करिए, और बिल्कुल इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से जब पराठे को दबा दबा के करते हैं ना, तो पराठे बहुत बेहतरीन कलर और टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से जब इस तरीके से हो जाए, तो बस इस तरीके से हम घुमा लेंगे, जिससे परफेक्ट पराठे, चाहे प्याज के हों या आलू के पराठे हों या किसी चीज़ के, परफेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से स्पैचुला से हम फिर पलट लेंगे, तो फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे और इस तरीके से हम स्पैचुला से प्रेस करते जाएंगे, हम पलट लेते हैं, देखिए कितना अच्छा सेकने लगा ना। तो फिर इधर से भी हम इस तरीके से दबाएंगे, फिर फ्लेम को हम लो लेके चले जाएंगे और फिर इस तरीके से घुमाएंगे, देखिए। तो ये क्या होता है कि पराठे एकदम ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से नरम होते हैं, और खाने में गर्मा गर्म बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस पराठे को आप चाय के साथ, अचार के साथ, किसी चीज़ के साथ आप सर्व करिए।
वैसे भी आम का सीजन है, सब्जी भी नहीं बनाते हैं, आम काट लीजिए और इस तरीके का पराठा खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए इस तरीके से हमने इधर से भी सेक लिया, फिर एक बार पलट लेते हैं। देखिए कलर दोनों तरफ से परफेक्ट हो चुका है, बिल्कुल पराठा कच्चा नहीं है और झटपट बन गया। बच्चों को लंच में दीजिए या हस्बैंड के ब्रेकफास्ट में, सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो दोनों साइड से मैं दिखा रही हूँ, देखिए एकदम परफेक्ट हो चुका है। तो ये पराठे किसको पसंद नहीं आएंगे। अगर हम खा रहे हैं तो प्लेट में सर्व करिए, अगर वेट करना है तो इस तरीके का कटोरी लीजिए और इस तरीके से रख दीजिए, इससे लंबे टाइम तक पराठे इसी तरीके से क्रिस्पी बने रहते हैं। इसे हम सेक लेते हैं, हो जाएगा तो फिर इसे भी हम पलटेंगे। इसे हम फटाफट घी लगा लेंगे, ऐसे इसे भी पलट देते हैं। हम घुमा घुमा के ही सेकेंगे, फिर इसे हम इधर से पलट लेते हैं। हाई फ्लेम पे कर देंगे तो वो पराठे में टेस्ट नहीं आएगा, बन तो जल्दी जाएगा लेकिन उस तरीके से क्रिस्पी पराठे नहीं बनेंगे और टेस्ट में भी फर्क हो जाएगा, इसलिए लो फ्लेम पे सेकिएगा। परफेक्ट रेडी हो गया है तो फटाफट हम इसे उतार लेते हैं। सारे पराठों को हम इसी तरीके से सेक लेते हैं। आमझाम ना ज़्यादा सामान की ज़रूरत है, घर के गेहूं के आटे और प्याज से बनाइए एकदम बेहतरीन नाश्ता जो बच्चों को बहुत पसंद आए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।